अमृता राव ने शाहिद कपूर को जड़ दिया था थप्पड़, इस वजह से अमृता राव का पारा हो गया था हाई और शाहिद को खाना पड़ गया था थप्पड़। देखिए, आप ये बात तो जानते ही हैं कि शाहिद कपूर और अमृता ने एक साथ जब भी स्क्रीन शेयर किया तब तब इश्क मोहब्बत के मायने सिखाए। इस जोड़ी को खूब प्यार मिलता रहा है और तो और आज भी कई लोगों की ये जोड़ी फेवरेट जोड़ियों में से एक रही है। जी हाँ, शाहिद कपूर ने पिछले कुछ सालों में कई हिट फिल्मों में काम करके अपनी खास पहचान भी बना ली है। एक्टर के पास अब के समय में काम की कमी नहीं है, वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। शाहिद कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं अमृता की बात की जाए तो अमृता और शाहिद ने भी विवाह और इश्क विश्क में साथ काम किया था। हालांकि आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताने वाले हैं। शाहिद कपूर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म इश्क विश्क से किया था। इस फिल्म में उनके साथ अमृता राव भी नजर आई थी। इस फिल्म में कपल की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता राव ने शाहिद कपूर को थप्पड़ जड़ दिया था। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें अमृता को शाहिद को एक झन्नाटेदार झापड़ मारना था, लेकिन बार बार इस सीन को करने के बाद भी डायरेक्टर को ये सीन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अमृता को मुश्किल में देखकर नीलिमा अजीम ने अमृता को समझाया कि ये केवल एक शॉट है, तुम्हें ये करना ही होगा, जिसके बाद अमृता राव ने शाहिद कपूर को काफी जोरदार थप्पड़ मारा था। यानी कि फिल्म के सीन के लिए शाहिद कपूर को चांटा खाना पड़ गया था, मगर शाहिद को यह थप्पड़ रियल में जोरदार पड़ा था, जिसके बारे में अमृता अपने इंटरव्यूज वगैरह में किस्सा शेयर कर ही देती हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इश्क विश्क फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार मिला था। शाहिद कपूर के इस डेब्यू फिल्म में उनके अलावा अमृता राव, शहनाज, यश टोंक, सतीश शाह और विशाल मल्होत्रा अहम भूमिका में नजर आए थे। और अब इस फिल्म का सिक्वल भी आ रहा है जिसका नाम इश्क विश्क रिबाउंड है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।